ऑन करो. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 1.4, राइट है. थर्ड का मैंने स्टार्टिंग का 4 सम किया था, बाकी का आपने 2 कर लिया, तो गुड. आगे देखते हैं. अज्यूमिंग दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अज्यूम कर लो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट ट्रू है. पी इज अ संडे इज अ हॉलीडे. राम डज नॉट स्टडी ऑन द हॉलीडे. ठीक, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या करना है हम लोगों को, ट्रूथ वैल्यू निकालना है. पहला वाला क्या देखो, क्वेश्चन में क्या दिया, संडे इज नॉट अ हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. पहले क्या लिखा है, संडे इज नॉट अ हॉलीडे. सिंबॉलिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे, इफ पी इज इक्वल टू संडे इज अ हॉलीडे. पी क्या था ऊपर, संडे इज अ हॉलीडे था, इसको नीचे नॉट दिया, मतलब निगेशन ऑफ पी. बीच में किससे ज्वाइन किया है, और दैट इज अ डिसजंक्शन. राम स्टडीज ऑन संडे हॉलीडे, ऊपर क्या बोला है, राम इज नॉट स्टडी, तो क्यू का भी निगेशन आएगा. तो सिंबॉलिकल फॉर्म क्लियर हो गया, निगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ क्यू. निगेशन क्यों आएगा, क्योंकि नॉट है इसके लिए आएगा. इसके क्वेश्चन के लिए प्रिफर करना, ऊपर बोला है ना, अज्यूमिंग दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड पी इज इक्वल टू संडे इज अ हॉलीडे, क्यू इज इक्वल टू राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे. ये दो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, बोले ये ट्रू है. ओके, अब उन्होंने क्वेश्चन बोला है, ये क्वेश्चन है संडे इज नॉट अ हॉलीडे, तो पी इज अ व्हाट, संडे इज अ हॉलीडे, तो इसका पी ऐसे लिखा, संडे इज हॉलीडे इज अ पी ना, तो इसका नॉट बोला है क्वेश्चन में, ये नॉट डाला है. और से ज्वाइन क्या, मतलब डिस्टिंक्शन आया. क्यू में क्या लिखा है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो ये क्यू था, बट एक्चुअली प्योर एक्चुअल में क्यू क्या है, नॉट बोला है, तो इसको क्या लिखेंगे, आया ना. अब अगर आप सोच नहीं समझा, अगर आप दिया है क्वेश्चन में उन्होंने पी एंड क्यू क्या है, ट्रू है, बोला है ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब देखो निगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ व्हाट, ऊपर जो उन्होंने दिया उसे ही हम लोग नीचे का कर रहे हैं, तो गिवन डेटा उन्होंने दे के रखा है, और क्वेश्चन नंबर 1 इज अ 1, समझा. ओके, अब निगेशन ऑफ पी इज व्हाट, सही है, सही है. पी को क्या लिखा, एफ लिखा, और निगेशन का साइन चला गया. अभी डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन में क्या था, एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू, यहाँ पे एक भी ट्रू है क्या, इसका फुल ट्रू था, क्या बनेगा, मतलब आपको क्वेश्चन कंबाइन कन्वर्ट भी करना है एंड देन ट्रू करेगा. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ संडे इज नॉट अ हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे. सोचो इफ संडे इज नॉट अ हॉलीडे, पहले पी, पी इज अ व्हाट, संडे इज अ हॉलीडे. आपके क्वेश्चन में दिया पी इज संडे इज नॉट अ हॉलीडे, तो निगेशन ऑफ पी बना. देन देन में क्या आता है, इम्प्लीकेशन, सिंगल एरो, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राइट है. राम स्टडीज ऑन हॉलीडे क्यू है, बट ऊपर ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या दिया, राम डज नॉट, नॉट है, तो उसको निगेशन ला दे. अभी दोनों स्टेटमेंट क्या है, देखो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, दोनों स्टेटमेंट क्या थे, ट्रू थे, बोला है ट्रू है. अब क्या बनेगा, क्या है इसका मतलब, नहीं नहीं ये सिग्नल इम्प्लीकेशन है, एरो चार जाता है, बट ये एक्सेप्शनल केस था, फॉल्स फॉल्स के लिए क्या आता है, समझा. आगे संडे इज हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, पी का पी सिंबल सिमिलर, तो पी एंड वी आई बीच में, तो पी कंजंक्शन क्यू, क्यू का वाट निगेशन, क्यू क्यू जो दिया है राम स्टडीज ऑन हॉलीडे बोला, एक्चुअल ओरिजिनल में राम नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे बोला, नहीं पढ़ता बेचारा संडे को, राइट. ये क्या है, ट्रू है, निगेशन ऑफ टी है, टी कंजंक्शन फॉल्स, एक भी फॉल्स आए तो, समझा. आगे इफ पी ही स्विम्स एंड क्यू वाटर इज वॉर्म, गिवन वर्बल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिकल फॉर्म. पी एंड क्यू देके रखा है, राइट, सिंबॉलिकल फॉर्म दिया है. अभी सिंबॉलिकल फॉर्म के हिसाब से कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, सही है. पी इज वॉट, ही स्विम्स, डबल इंप्लीकेशन का साइन है, निगेशन है. डबल इंप्लीकेशन में क्या आता है, इफ एंड ओनली इफ. वाटर इज वॉर्म के बदले में क्या लिखेंगे, वाटर इज नॉट वॉर्म, ये आप लिख सकते हो क्या, कर सकते हो. अगर एक बार देख लो ना, 1 2 3 एंड 4 प्लीज देख लो,
पेज नंबर 18 कुछ लोगों के लिए, कुछ डेटा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशनल क्वांटिफायर। और उसको वर्डिंग्स होता है देयर एग्जिस्ट, जैसे कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए फॉर ऑल होता है, हाँ या ना, यूनिवर्सल के लिए क्या होता है फॉर ऑल वर्डिंग होता है, वैसे एक्सटेंशनल क्वांटिफायर के लिए देयर एग्जिस्ट, देन देयर इज, ओके, एटलीस्ट, देयर इज एटलीस्ट वन, ये वर्डिंग्स रहेंगे तो समझ जाने का दिस इज एक्सटेंशनल क्वांटिफायर। एंड एक्सटेंशनल क्वांटिफायर फॉर सम्स होता है, फॉर सम मतलब कुछ थोड़े डेटा के लिए होता है। And it is denoted by what? Ulta E. That is mirror image of the E ka mirror image. Samajh mein aaya? Now, quantified statement. Quantified statement ko chhod. Jab aayega tab dekhi. Ab aa jao 1.5. Use the quantifier to convert each of the following open statement defined on and into the true statement. Matlab kya bola hai? Jo hai usko convert karo. Kya bola hai dekho? X square plus 3x minus 10 is equal to 0. जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी एक्स रहेगा, मुझे पता है ये एक्स कोई भी नंबर डालेंगे तब भी आ सकता है, मतलब स्टेटमेंट कंप्लीट हो सकता है कि सिलेक्टेड नंबर, बोलो। अगर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, ये आपका कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, राइट है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब आप एक्स निकालो तो x मीन्स फॉर ऑल है कि सम सम है, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा डाला तो चलेगा, आपका फैक्टर आता है ना, दो इसका मल्टीप्लिकेशन 10 होता है, इसका प्लस माइनस 3 होता है, हाँ या ना, तो कोई सिलेक्टेड x आता है तब जाके फुलफिल होता है, समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ। इसका मतलब क्या लिखेंगे, कौन सा साइन आएगा, देयर एग्जिस्ट की फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, अभी लिखना है कैसे, देखो देयर एग्जिस्ट का साइन x बिलोंग्स फ्रॉम व्हाट, n, n इज व्हाट, नेचुरल नंबर, मतलब हमारे जो n है, जो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, इसमें से बिलोंग्स फ्रॉम x है, x ऐसे नंबर्स है कि वो क्या है, फॉर वाले के देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट है, इसके लिए उल्टा ही आएगा, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स फ्रॉम n, तो n ऐसे नेचुरल, मतलब x ऐसे नेचुरल नंबर है, सिलेक्टेड नेचुरल नंबर है, वो ऊपर वाले इसमें पुट करेंगे तो आपका क्वार्टाइल, क्वार्टाइल इक्वेशन फुलफिल होता है, हां या ना, ओके, सच अ दैट, क्या लिखा, ऐसे लिखना, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स फ्रॉम एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, ओके, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू कब होगा, ये क्या डालना होगा एक्स के बदले में, वो सोच रहे हैं आपको, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टू, या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर है प्लस थ्री एक्स है माइनस टेन इज इक्वल टू व्हाट, जीरो आ रहा है, x के बदले में ऐसा कौन सा नंबर आया तब जीरो आएगा, ये ढूंढना आप लोगों को, समझा क्या, x के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर डाले जिसका आंसर जीरो आता है, इक्वेशन इज व्हाट, चलो इक्वेशन बता दो, आंसर क्या चाहिए मुझे, तो समझो यहाँ पे मैंने थ्री पुट किया, आ रहा है चेक करो, फिर भी जा आ रहा है क्या, नहीं आज तो टू डाल के देखते हैं, फोर सिक्स सही है, मतलब यहाँ पे कोई एक नंबर है जो पुट करता है तो ये ट्रू हो जाता है, तो लिखेंगे कैसे, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एज एक्स इज इक्वल टू टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सैटिस्फाइज दिस वन, हो गया, क्लियर हो गया, आगे देखते हैं, थ्री एक्स माइनस फोर लेस देन व्हाट, थ्री एक्स माइनस फोर लेस देन एन, एक्स के बदले में वन डाल दो, थ्री इंटू वन, थ्री, थ्री माइनस फोर लेस देन नाइन,
वन भी चलेगा, एक्स के बदले में टू पुट करो और निगेटिव आता है ना, एक्स के बदले में टू पुट करो थ्री टू दॉ हाँ कौन कौन से नंबर है, और वो नंबर अगर फॉर ऑल है तो फॉर ऑल का साइन कुछ है तो समझा कि नहीं समझा। और ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता, इसके लिए वन नहीं पुट करेंगे बराबर है, क्योंकि थ्री वन सा थ्री माइनस फोर माइनस वन आएगा, माइनस वन नाइन से छोटा है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर में आता है ना राइट ना। ओके इसके लिए वन नहीं आएगा, फिर टू आएगा, थ्री टू सा सिक्स, सिक्स माइनस फोर आता है छोटा, फिर थ्री सा नाइन माइनस वन, नाइन माइनस फोर भी छोटा आता है तो थ्री भी आया, फोर पुट किया तो फोर 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 थ्री था ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फोर कितना आता है एट, हाँ ना ये भी लेस देन नाइन है तो फोर भी चलेगा, फाइव फुट करो तो फाइव टू का टेन, टेन माइनस फोर इलेवन है क्या नाइन से छोटा, नहीं है। तो ये कंडीशन फुलफिल कब हो रहा है, ओनली कौन सा सिचुएशन में, टू थ्री एज वेल एज वॉट टू फोर, हाँ या ना, तो टू थ्री फोर बिलोंग्स फ्रॉम वॉट एन, सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। समझा कि नहीं समझा, कैसे लिखना है बाद में, एन स्क्वेयर इज ग्रेटर देन वॉट इक्वल टू वन, सोचो ना एन मीन्स एनी नंबर, कोई भी नंबर पुट करो उसका स्क्वेयर वन से इक्वल है तो बड़ा होगा ही होगा, तो ये फॉर ऑल वाला आएगा, कौन सा मॉडिफायर यूज करेंगे फॉर ऑल, चेक करो लिखा है नीचे फॉर ऑल एन बिलोंग्स फ्रॉम एन व्हेन एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एज ईच नेचुरल नंबर सेटिस्फाई दिस। समझा आगे का, टू एन माइनस वन इज इक्वल टू फाइव, एन के बदले में कोई भी नंबर डालेंगे तो हो सकता है क्या, नहीं सिलेक्ट नंबर हो सकता तो सिलेक्ट नंबर चॉइस करके करेंगे तो देयर इज एग्जिस्ट आएगा, यस कर सकते हो। आगे का देखो, ये भी क्या होगा देख के बता सकते हो, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल y के बदले में ऐसा सब नंबर डालेंगे तो कंडीशन फुलफिल होता है क्या, नहीं सिलेक्टेड नंबर डालने होंगे तो क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स फ्रॉम n सच दैट y प्लस फोर इज ग्रेटर देन सिक्स, और कौन कौन से नंबर है वो लिख दो नीचे राइट। यहाँ पे भी बताओ क्या नंबर होगा, थ्री फाइव माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू नाइन, क्या होगा क्वान्टिफायर कौन सा यूज होगा, देयर एग्जिस्ट की फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट सिलेक्टेड नंबर डालना मतलब देयर एग्जिस्ट सब नंबर अप्लाई हो रहे थे फॉर ऑल। ओके नाउ इफ b इज इक्वल टू टू थ्री फाइव सिक्स सेवन, बी हमारा क्या है टू थ्री फाइव सिक्स एज वेल एज सेवन, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हम लोगों को सबका क्या डिसाइड करने का ट्रूथ वैल्यू, फॉर ऑल x बिलोंग्स फ्रॉम b, x इज अ प्राइम नंबर, अभी उन्होंने बोला है कि x हमारा प्राइम नंबर है और x बिलोंग्स टू b है, सोचो टू प्राइम नंबर है क्या, थ्री है क्या, फाइव है क्या, थ्री प्राइम नंबर है, टू भी प्राइम नंबर है, फाइव भी प्राइम नंबर है, सिक्स प्राइम नंबर है क्या, नो राइट है। तो यहाँ पे जो उन्होंने ऑल लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स फ्रॉम बी, मतलब एक्स ऐसा है जो बी से और ये सारे प्राइम नंबर है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू की फॉल्स, नहीं समझा लिखा, नहीं समझा, सी बी इज ऑलरेडी गिवन, बी इज अ वॉट टू थ्री फाइव सिक्स एंड सेवन, ये बी देखे रखा है तो बी का ग्रुप है, अभी ट्रूथ वैल्यू डिसाइड करना है दिए हुए स्टेटमेंट, दिए स्टेटमेंट में बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स फ्रॉम बी, मतलब बी बता मुझे क्या है, पहले अब ये क्वेश्चन है समझो, अभी आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स फ्रॉम व्हाट बी, मतलब सारे एक्स जो बी में है वो प्राइम नंबर है क्या, तो इट इज अ व्हाट ट्रू फॉल्स, फॉल्स गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखने का, तो क्या लिखेंगे, हियर ओनली एक्स इज इक्वल टू टू थ्री फाइव बिलोंग्स फ्रॉम बी इज अ प्राइम नंबर एंड द गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू इज अ व्हाट, अब समझ में आया, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग फ्रॉम एन सच दैट एन प्लस सिक्स इज ग्रेटर दैन ट्वेल्व, एन प्लस सिक्स इज ग्रेटर दैन व्हाट ट्वेल्व, देयर एग्जिस्ट बोला है n belongs from what b, तो b ग्रुप के अंदर जितने नंबर है वो n है, तो 2 plus 6 is equal to 12 हो रहा है, is less than 12, yes, then पहला डाल देगा, second one is what 3 plus 6 is less than 12, right है क्या, ये भी हो रहा है, fourth डाल के देगा 5 plus 6, बोलो फटाफट is less than 12 है क्या, हाँ या ना, आगे क्या है 6 प्लस 6 है क्या, ये नहीं है, इसका मतलब B ग्रुप के अंदर जो N है उसमें से कुछ नंबर
ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे, राइट है, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। समझ में आया? आगे का अभी आगे का दो चार तीन ट्राई करो। चलो कंसेप्ट तो समझ, आपको क्या करने का है ट्राई करो, कुछ कर दो। बिलोंग्स फ्रॉम बी, सारे के सारे वाई है जो बी में पुट करेंगे, तो जहाँ पे वाई माइनस फाइव बिलोंग फ्रॉम एन, एन इज अ नेचुरल नंबर। वाई के बदले में पुट करूँ टू, टू माइनस फाइव इज वॉट, माइनस से नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता। उन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी नंबर डालो नेचुरल नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो इट इज व्हाट, फॉल्स। समझ में आया? बिकॉज वो माइनस में भी आ रहा है तो होल नंबर भी होगा। डन, ओके, वन पॉइंट फाइव एक्सरसाइज खत्म। सिक्स सेवन एट एंड टेन, फोर एक्सरसाइज रिमेन।